देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। मुकलावा में भारतीय किसान सभा द्वारा सिंचाई पानी की मांग को लेकर IGNP नहर क्षेत्र के किसानों के लिए आमरण अनशन पर घरसाना पंचायत समिति प्रधान रानी दुगल को पुलिस द्वारा जबरन उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाने तथा किसान नेताओं पूर्व विधायक पवन दुगल, विष्णु भांबू, अन्य किसानों को गिरफ्तार करने व लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस द्वारा व सरकार द्वारा किसानों पर की गई इस तरह की बर्बरता की निंदा की गई। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। बांधों में पूरा पानी होते हुए भी नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, किसानों को पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। इसी संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील अध्यक्ष संजय गोदारा के नेतृत्व में SHO पुलिस थाना मुकलावा को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस घटना में बंदी बनाए गए सभी किसानों को छोड़ा जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो इस घटना को अंजाम देने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए तथा IGNP नहर में पानी पूरा दिया जाए। वह ज्ञापन देने वालों में माणक थालोड पंचायत अध्यक्ष इंदर सारण, कुंदनलाल श्रीराम पूर्व छात्र अध्यक्ष विक्रम भादु आदि मौजूद थे।